सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स के शेयर के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, कल्याण ज्वेलर्स का IPO अभी कुछ दिन पहले ही मार्केट में लिस्ट हुआ है और इसकी लिस्टिंग डिस्काउंट प्राइस पर होती हुई नजर आई थी। आपको बता दें कि इस IPO का इशू प्राइस करीब 87 रुपये के आसपास रखा गया था, यानी 87 रुपये में आपको एक शेयर अलॉट हुआ था और इसकी लिस्टिंग करीब 74 रुपये के आसपास होती हुई नजर आई थी। यानी लिस्टिंग के दिन ही निवेशकों को करीब 13 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से नुकसान होता हुआ नजर आया था। और देखिए, डेली चार्ट है, लिस्टिंग के बाद ये शेयर लगातार उस दिन ऊपर जाता हुआ नजर आया था और इसने करीब 81 रुपये के आसपास का हाई बनाया था। यानी कि जो निवेशक यहां पर कम लॉस के साथ निकलना चाहते थे वो यहां पर निकल चुके होंगे, लेकिन उसके बाद शेयर लगातार नीचे जाता हुआ नजर आया और इस शेयर ने करीब करीब 56.5 का लो बनाया। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था, फिबोनाची का एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके मैंने आपको बताया था कि ये शेयर कहां तक नीचे जा सकता है। तो देखिए, पहला लेवल हमारा आता 58 रुपये का लेवल और दूसरा लेवल जो हमारा निकल कर आ रहा था वो था 56 रुपये का लेवल। और आप यहां पर देख सकते हैं 56 और 58 रुपये के लेवल के बीच से ही इस स्टॉक ने टर्न किया है। आप यहां पर देख सकते हैं टर्न हो गया है। और यहां पर मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि इसका कंफर्मेशन हम तभी मानेंगे जब ये स्टॉक 58 रुपये के आसपास मंडे के दिन क्लोजिंग देता है। और आज आप देख सकते हैं स्टॉक करीब 2.30 के आसपास ऊपर है, जो कि करीब 4% के आसपास ये ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, 5% तक गया था, थोड़ा बहुत इसमें गिरावट उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन करीब करीब देखें तो करीब 4.5 से 5% ये स्टॉक आज के दिन ऊपर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, उन निवेशकों को बहुत बहुत मुबारक हो जिनके पास कल्याण ज्वेलर्स के शेयर हैं और काफी दिनों से वो ये सोच रहे थे कि भाई इस स्टॉक में तेजी आना कहीं भूल तो नहीं गई, क्योंकि आप देख सकते हैं इस स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है, एक भी ऐसी कैंडल नहीं बनी जिससे इसके निवेशकों को थोड़ा सा संतोष मिलता हुआ नजर आए कि भाई अब यहां से तेजी बनेगी। लेकिन यहां पर फिबोनाची एक्सटेंशन का जो इस्तेमाल हमने किया था, जहां पर 58, 56 और यहां पर 53 रुपए के लेवल्स आपको बताए थे कि भाई यहां से स्टॉक टर्न कर सकता है, बिल्कुल वहीं से आप देख सकते हैं 58 से 56 रुपए के लेवल के बीच से ही ये स्टॉक टर्न किया है और इसके बाद इसमें लगातार दूसरे दिन तेजी बनती हुई नजर आ रही है। यानी कि अगर पिछले दो सेशन की बात कर ली जाए तो करीब 8 से 10% की तेजी इस स्टॉक में हो चुकी है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि 58 और 56 रुपए के लेवल के बीच में आपको बढ़िया खरीदारी करनी है। और देखिए, अभी भी मौका है, जो इस शेयर में फंसे हुए ऊपरी लेवल पर यानी 87 रुपए पर जिसका अलॉटमेंट है वो अभी इस शेयर में और खरीदारी कर सकते हैं, जिससे आपकी जो पोजीशन है वो एवरेजिंग हो जाएगी और आपका जो टारगेट है वो कम हो जाएगा। क्योंकि अगर 87 रुपए में आपने खरीदारी की है और अगर आप यहां पर 60 रुपए के लेवल के आसपास भी खरीदारी करते हैं उतनी ही क्वांटिटी में, तो आपका जो प्राइस हो जाएगा बाइंग प्राइस वो अप्रोक्सीमेटली करीब 74 रुपए के आसपास होता हुआ नजर आएगा, जिससे आपको यहां पर जो है आसानी रहेगी इस शेयर से निकलने में। तो देखिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जितना क्वांटिटी आप उठाना चाहते हैं अभी मौका है, क्योंकि सेंटीमेंट बना हुआ है, आप भी खरीदेंगे तो आप इसकी जो ग्रोथ है उसमें भी योगदान देंगे। ठीक है, तो जितना आप खरीदना चाहते हैं खरीदें, यहां पर अच्छी बाइंग आ रही है और मुझे लगता है कि यहां पर पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट हो गया है और यहां से स्टॉक ऊपर जाने के लिए एकदम तैयार खड़ा है, तो आप यहां पर बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, कमेंट में लिखकर मेरे से पूछते हैं कि क्या ये लेवल सही है खरीदारी करने का, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि यहां पर आपको निश्चित रूप से खरीदारी करनी चाहिए और यहां पर धीरे 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 करके आप देख सकते हैं यहां पर तेजी तो बन ही रही है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये स्टॉक 70-80 रुपए के आसपास कब पहुंच गया और आप देखते रह जाएंगे कि भाई 58-56 रुपए पर जब ये स्टॉक चल रहा था तो हमने खरीदा नहीं, अब ये स्टॉक 70-75 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मैं आपको बोल रहा हूं, इसमें खरीदारी आपको करनी चाहिए, इसमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में आए हैं तो डर का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपको यहां पर करनी है खरीदारी, जो
जो एग्जिस्टिंग निवेशक है उनको होल्ड करना है, साथ ही साथ एवरेजिंग भी करना है तो कर सकते हैं। जो नई खरीदारी करना चाहते हैं इस स्टॉक में, देखिए ज़्यादा महंगा शेयर नहीं है, अभी सिर्फ 60-61 रुपये का शेयर है। यहाँ पर आप 100 क्वांटिटी भी बाई करेंगे तो 6,000-6,500 रुपये का आपको मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए और ऐसी मेरी सलाह है। अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि आपका पैसा है, आप कहाँ लगाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।